राम तुलसी और श्यामा तुलसी के बीच अंतर। पत्तियां। राम तुलसी हल्के हरे रंग की पतली पत्तियां होती हैं, जिनके किनारे थोड़े दांतेदार होते हैं। श्यामा तुलसी गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियां होती हैं, जिनके किनारे चिकने होते हैं। डंठल। राम तुलसी हरे रंग का डंठल होता है, श्यामा तुलसी बैंगनी रंग का डंठल होता है। फूल। राम तुलसी हल्के गुलाबी रंग के फूल होते हैं, श्यामा तुलसी गहरे गुलाबी रंग के फूल होते हैं। सुगंध। राम तुलसी हल्की और मीठी सुगंध होती है, श्यामा तुलसी तीखी और कड़वी सुगंध होती है। गुण। राम तुलसी कफ, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द और तनाव कम करने में मददगार मानी जाती है। श्यामा तुलसी तुलसी का ये प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने, जोड़ों के दर्द और डायबिटीज में फायदेमंद माना जाता है। घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ होता है? हिंदू धर्म में दोनों तुलसी ही पूजनीय मानी जाती हैं और घर में लगाना शुभ माना जाता है। राम तुलसी इस तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार के पास या पूजा स्थान में लगाना शुभ होता है। श्यामा तुलसी इस तुलसी को देवी लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। इसे घर के धन स्थान में लगाना शुभ होता है। निष्कर्ष। आप अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार राम तुलसी या श्यामा तुलसी या दोनों ही घर में लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा हमेशा स्वच्छ और पर्याप्त सूर्य प्रकाश वाले स्थान पर रखें। ये भी याद रखें कि तुलसी के पौधे के साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए।